गवर्नमेंट एनजीओ वगैरह के फ्लैट देखे तो फील्ड वर जास्त काम करू शकते. पण जर प्राइवेट कॉलेज करो, कॉलेज करो, छोटा जो पैसा वगैरह जो पहले गवर्नमेंट में हुआ करता था सब कुछ. अभी भी इन्होंने प्रपोजल दिया है कि प्राइवेटाइजेशन. अभी भी तीन कॉलेज गवर्नमेंट वाले बनने वाले नहीं, लेकिन वो उनको मतलब जल्दी से शुरू करना उनका ये नहीं, वो होता ही नहीं रहा. मतलब बहुत सालों से 2014 से चालू है, वो गया बाद में और प्राइवेट ही बोल रहे थे. आपने रिटर्न है क्या आपके पास कुछ? हाँ, रिटर्न हमारा थोड़ा सा चेंज कर रहे थे. सिर्फ बता रही है एक डिप्लोमा वाला डॉक्टर नहीं हो सकता. जैसे एक नर्स एक MBBS की जगह नहीं ले सकती, वैसे ही डिप्लोमा वाला जो डॉक्टर को डॉक्टर नहीं कहला सकते. इन दोनों का एजुकेशन अलग है, इन दोनों के जॉब प्रोफाइल अलग रहने चाहिए. डॉक्टर के हाथ के नीचे नर्स काम करती है, वैसे ही ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा ही पैरा वेटरनरी है, तो ये वेटरनरी डॉक्टर के नीचे काम करना चाहिए. हाथ से हाथ मिला के, नीचे मतलब हाथ से हाथ मिला के काम करना चाहिए. जहाँ पे आज महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, जहाँ पे 12,000 जानवरों के पीछे एक डॉक्टर है, और कोई भी बीमारी अगर आती है तो वो एक महीने या दो महीने में नहीं आती, वो एक दो दिन में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानवर कवर कर लेती है. तो इसमें नंबर ऑफ वेटरनरीज फील्ड पे कम है. तो महाराष्ट्र शासन ने एक चीज़ ये करनी चाहिए कि जो आज बेरोजगार 2,000-5,000 पशु वैद्य विद्यार्थी है, उनको दवाखाने पर बिठाने चाहिए. जहाँ पे आज महाराष्ट्र सरकार ने डिप्लोमा वालों को डॉक्टर बना के बिठाया है, इसके फायदा एक होगा कि इसके बाद में आने वाले जो मतलब जो डॉक्टर रहेंगे वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, फार्मर का नुकसान नहीं होगा, और दूसरा डिप्लोमा धारक जो है वो उनके हाथ के नीचे काम करेंगे तो उनका मैन पावर बढ़ेगा. आज जो नया डिप्लोमा आया है 12+3 साल का, उसमें जायज़ है होशियार बंदे डिप्लोमा पकड़े डिप्लोमा लेंगे और डॉक्टर्स के हाथ के नीचे अच्छे से काम करेंगे, उसमें फार्मर का फायदा ही होगा. तो बस हमारा यही कहना है कि आप उनका कैडर जो है, जो हमारा एक कैडर है डॉक्टर का, तो वैसे ही जो नर्सेस है या वो पैरावेट है उनका भी कैडर अलग होना चाहिए. ओके, ये हमारी डिमांड है. दूसरा, आज जो ग्रेड बी के दवाखाने वहाँ पे डिप्लोमा वाले को डॉक्टर बना के बिठाया गया है, वो गलत है. ग्रेड बी ग्रेड ए, ये जो है ग्रेड ए पे हमारा पोस्टिंग रहता है पशुधन विकास अधिकारी गट ऐसा रहता है. तो ये जो ग्रेड बी के 1600 दवाखाने हैं इनको ग्रेड ए करके वहाँ पे BBSN एज ग्रेजुएट अगर बिठाया गया, अगर डॉक्टर बिठाया गया, तो आने वाले समय में बहुत अच्छी सेवाएं फार्मर के घर तक पहुँच सकती है. तो ये चीज़ होनी चाहिए, यही हमारी मांग है. और मंत्री महोदय बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मंत्री महोदय सिर्फ डिप्लोमा के बारे में ही ये स्टेप्स ले रहे हैं. हमारा यही बोलना है कि मंत्री महोदय ने कैडर जो है, जो दो महीने का जैसे डिप्लोमा और ये डिग्री है, दोनों के जॉब एक नहीं हो सकते, उनको सेपरेट कर देना चाहिए. हमारे डॉक्टर्स की जॉब डॉक्टर को दे देनी चाहिए, और नर्सेस जो है या डिप्लोमा होल्डर जो है पैरानर्स, उनको उनके जॉब्स उनके प्रमोशंस देने चाहिए. कोई भी नर्स प्रमोशन होके डॉक्टर नहीं बन सकती, वैसे ही पैरावेट प्रमोशन होके डॉक्टर नहीं बन सकता, यही हमारी डिमांड है. इसमें फार्मर का, हमारा और पूरी वेटरनरी फील्ड का, और जो अपना क्षेत्र है महाराष्ट्र का, इसका फायदा होगा. खासगी जो है, जो प्राइवेट वेटरनरी कॉलेज निकाले जा रहे हैं आज, इससे पहले 2014 से अकोला और जलगांव ये दो प्राइवेट वेटरनरी ये गवर्नमेंट कॉलेजेस सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन तीसरे नगर का जो अहमदनगर में हुआ है अभी 6 महीने पहले, वो भी सैंक्शन हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है कॉलेज निकालने के लिए. तो हमारा ये बोलना है कि आप उनको हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन नागपुर जैसा कॉलेज है जहाँ पे कैपेसिटी 100-120 की हो सकती है, वहाँ पे आप 80 स्टूडेंट दे रहे हैं. इस बार नागपुर ने बड़ा दिल करके हमारी यूनिवर्सिटी ने 100 सीट कर दिए, लेकिन आदरणीय मंत्री महोदय की साइन की वजह से वो सीट सिर्फ 80 पे रह गए, 20 सीट के एडमिशन ही हुए नहीं. ऐसी 20 सीट नागपुर पूरे मापसू में अगर गिना जाए तो 70 से 80 सीट कम हो गए. तो इसको 80 सीट कम होने को आप बेरोजगारी नहीं, मतलब आप डॉक्टर को ये नहीं कर सकते. जैसे आप बोल रहे कि 1000 डॉक्टर है और 2,00,000 पशुधन है, वो नहीं हो सकता. तो इसमें आप अपूरे मनुष्य बल पे सिर्फ डॉक्टर को वहाँ पे मतलब दोषी नहीं करार दे सकते. आप नंबर ऑफ लोग मतलब नंबर ऑफ डॉक्टर ज़्यादा रखिए फील्ड पे, तो आपको परफॉर्मेंस दिखेगा. जैसे कम लोगों में ज़्यादा वर्क नहीं हो सकता, अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं वो, यही हमारी डिमांड है. मेरे को रिटर्न में दे दीजिए ना. बिल्कुल, नंबर आपको व्हाट्सएप पर सेंड. मैं वंचित अगाड़ी का युवा अध्यक्ष हूँ यहाँ का, जितने भी युवा के जो मैटर्स रहते हैं वो मैं उठाता हूँ, तो आप लोगों के भी आई विल टेक इट. तेजस हमारे